Good morning, students. In our last class, we have discussed the derivation for the motion of center of mass, right? That thing we in a rigid body. That thing we have discussed in our last class. Now today we are going to start with our next topic, that is the torque. So what do we mean by the term torque? जिसको कि हम moment of force भी बोलते हैं. टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स. सो क्या समझते हैं हम इन दोनों टर्म्स से, क्या मतलब होता है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स का, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ओके, सो बेसिकली एज द नेम सजेस्ट द टॉर्क जो है वो एक तरीके का फोर्स ही होता है. ओके, सो टॉर्क इज जस्ट अ काइंड ऑफ फोर्स. द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल फोर्स एंड टॉर्क इज दैट जो टॉर्क होता है वो किसी रोटेटिंग बॉडी पे लगता है. मतलब कि अगर किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया और वो बॉडी रोटेट कर रही है तो दैट काइंड ऑफ फोर्स इज सेड टू बी द टॉर्क. एक नॉर्मल फोर्स और टॉर्क में यही अंतर होता है कि एक नॉर्मल फोर्स में जो मोशन है वो लीनियरली होगा, लाइक पुश और पुल. जबकि अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क में जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन होता है. एंड जनरली द टॉर्क इज डिनोटेड बाई द सिम्बल टाउ. टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं. दिस इज द सिम्बल फॉर टॉर्क. सो अगर टॉर्क के एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा फैन है, द फैन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, राइट? जो फैन है वो अपनी एक्सिस पर, जो रॉड होती है उसकी एक्सिस पर रोटेट करता है. तो दैट कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द टॉर्क. तो फैन पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टॉर्क. टॉर्क के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो टॉर्क इज इक्वल्स टू, सिंस इट इज अ फोर्स सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन फोर्स. ऑल्सो एक बॉडी जो कि रोटेट हो रही है अपनी एक्सिस पर, तो जो डिस्टेंस होती है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. अगर कोई बॉडी अपनी एक्सिस पर जो रोटेट कर रही है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या उसको सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट इट जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू द फोर्स इन टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ रोटेशन, राइट? दैट इज इक्वल्स टू द टॉर्क. अगर हम इसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करें, सो टॉर्क ऑब्वियसली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Force is also a vector quantity. Perpendicular distance, which can be denoted by x here. So is the this will be the symbolical representation of the torque, right? So is तरीके से हम torque को represent कर सकते हैं. अगर torque के dimensional formula की बात करें, so we know that force is equals to mass into acceleration and displacement, जिसको हम d से x से कैसे भी denote कर सकते हैं as per our convenience. This is equals to the cross product of both the quantities, that is the force and the displacement, right? Displacement के लिए मैंने यहाँ पे d as it is लिख दिया, mass के लिए m, acceleration के लिए lt inverse square, and displacement के लिए हमने यहाँ पर l लिखा है, that is the perpendicular distance. और यहां से आपने सॉल्व किया, सो यू विल गेट एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर. सो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, राइट? अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, सो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन न्यूटन हियर, एंड डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, सो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर. सो द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क विल बी, और द मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी न्यूटन मीटर. एक चीज और, जहां पर भी फिजिक्स में कहीं पर भी अगर ये टर्म आ रही है मूवमेंट, तो इस मूवमेंट का मतलब होता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रोटेशनल मोशन, राइट? जब भी हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो वहां पे हम इस टर्म का यूज करते हैं, दैट इज द मोमेंट. सो दिस विल बी द फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट ऑफ द टॉर्क. टॉर्क इज जस्ट अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी विच इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, राइट? As I have just told you, इसका जो vector representation होगा, it will be like tau is equals to r vector cross f vector.
this will be the vector representation of torque, or you can say that R जो है वो position vector होगा from the origin to the point, जिस point पर वो जो body है वो rotate कर रही है. Also F is the magnitude of the force that we are talking about, right? So इस तरीके से हम torque की value जो है वो find out कर सकते हैं with this expression. Also एक चीज यहाँ पर mention करनी पड़ेगी that जो torque होता है वो दो types के होते हैं. The torque is of two types. First one is positive and the second one is negative. So जब आपने body पर force apply किया तो दो possibilities बनती हैं, या तो body पर clockwise direction में move करेगी या anti-clockwise direction में move करेगी. तो जब आप किसी body पर force apply करते हो और वो body anti-clockwise move कर रही है तो उस तरीके का जो torque होगा that is said to be the positive torque. So, जब बॉडी का रोटेशनल एंटी क्लॉकवाइज होता है, दैट काइंड ऑफ मोशन, दैट काइंड ऑफ टॉर्क बीइंग अप्लाइड ऑन द बॉडी सेड टू बी द नेगेटिव टॉर्क, सॉरी पॉजिटिव टॉर्क. ऑल्सो इसी का जस्ट अपोजिट, अगर किसी बॉडी पर आपने टॉर्क अप्लाई किया और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दैट काइंड ऑफ टॉर्क इज सेड टू बी द नेगेटिव टॉर्क. क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ टॉर्क दैट वी हैव डिस्कस्ड. Now, let us see some simple numerical that are based on the torque. Now, one question is being given to us here. A particle whose position vector is given by the expression that is this, is acted upon by a force that is given by this. We have to find out the value of tau. इसको tau पढ़ते हैं. जो टाउ है, दैट इज द टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स हम बोले, हमको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर हमको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, दैट इज अगर हमको आर के लिए इक्वेशन दी हुई है, ऑल्सो हमको एफ के लिए इक्वेशन दी हुई है, राइट. सो सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं. फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन टू अस इज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. दैट थिंग आई हैव रिटन हियर. ऑल्सो आई हैव द वैल्यू ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल्स टू 5i cap plus 3j cap minus 5k cap, and I have to write Newton here, right, because the SI unit of force is Newton. So we have to find out the value of tau. For this I know that this tau is equals to r cross f, राइट. हमारे पास ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला है दैट वी हैव जस्ट सीन, जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है टॉर्क का. और आपको ये भी पता है फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, हमने जब वेक्टर्स पढ़ा था तब ये डिस्कस किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट. सो क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं. दैट थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन अवर चैप्टर 4. और मैं डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आई हैव एक्सप्लेन इन दैट वीडियोस. नाउ वी जस्ट सॉल्व इट. हम आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स लिख लेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा आर वेक्टर में उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो, दैट विल बी 1 माइनस 1 एंड 1. आई का जो कोफिशिएंट है कुछ भी नहीं, मतलब 1. यहाँ पर जे माइनस 1 एंड के इज प्लस 1, सो आई हैव रिटन ओवर हियर. ऑल्सो एफ की अगर बात करें तो एफ आई कैप का जो कोफिशियंट है दैट इज 5, जे कैप का कोफिशियंट 3 एंड के कैप का कोफिशियंट -5. तो हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट वी हैव पुट द वैल्यूज हियर. नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूं सो आई विल गेट आई कैप एज इट इज. आई कैप हमने एज इट इज लिया. आई कैप जब हमने लिया है तो आई कैप वाली रो और आई कैप वाला कॉलम जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. बाकी आपके पास ये चार टर्म्स बच रही हैं, हम इनको लिख लेंगे. इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर इन डिटेल. प्लस माइनस इस तरीके से अल्टरनेट ऑर्डर्स में चलता है. तो जे वी हैव टेकन नेगेटिव हियर, जे की रो, जे का कॉलम एलिमिनेट, जो जो टर्म्स बची हैं दैट वी हैव रिटन हियर. सिंस आई पॉजिटिव जे नेगेटिव तो के जो है वो पॉजिटिव रहेगा. के वाली रो, के वाला कॉलम एलिमिनेट, जो टर्म्स बच गई वो हमने यहाँ पे लिख दी है एज इट इज, राइट. सो जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, डिटर्मिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही. नाउ
वी नो दैट अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस फाइव इंटू माइनस वन दैट विल बी इक्वल्स टू फाइव, माइनस थ्री इंटू वन इज थ्री, माइनस जे एज इट इज, माइनस फाइव इंटू वन इज माइनस फाइव, माइनस फाइव इंटू वन इज माइनस फाइव अगेन, प्लस के कैप आई हैव रिटन एज इट इज, थ्री इंटू वन इज थ्री, माइनस फाइव इंटू माइनस वन इज माइनस फाइव. तो हमने सारी वैल्यूज जो है वो जस्ट सिंपली पुट कर दी है. नाउ लेट अस सॉल्व दिस. व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? I cap I have written as it is 5 minus 3 is 2 minus J cap I have written as it is minus 10 plus K cap as it is 5 और 3 8. इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी J cap plus 8 K cap. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द दैट इज बीइंग अप्लाइड इन द पर्टिकुलर केस, राइट? सो इस तरीके से हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में अगर हमको वैल्यूज दी हुई हैं तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. टॉर्क की ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन द वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? होप दिस मस्ट बी क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वर्क एंड पावर एसोसिएटेड विथ रोटेशनल मोशन. हमको पता है हम सिंपली वर्क डन और पावर निकाल सकते हैं अगर लीनियर मोशन हो रहा हो तो, राइट? उसके लिए हमको फॉर्मूला पता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम, राइट? बट वॉट इफ जो मोशन है वो लीनियर मोशन नहीं होते हुए रोटेशनल मोशन हो, तो उस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं पावर और वर्क? दैट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट. बेसिकली हमको यहाँ पे वर्क और पावर के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है तब जब रोटेशनल मोशन हो रहा हो, राइट? सो सबसे पहले हमको ये चीज पता है, अगर हम नॉर्मल केस में बात करें, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स into displacement. हमारे पास linear work done के लिए formula होता है, that is work done is equals to force into displacement. But अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे rotational motion की, so rotational motion में जो force होगा that will not be the simple force but it will be the torque, right? Also अगर मैं बात करूँ displacement की, तो यहाँ पे normal displacement नहीं होते हुए जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है और वी कैन से सर्कुलर मोशन करती है, तो सर्कुलर मोशन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विच इज बेसिकली अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज द एंगल, राइट? सो टॉर्क के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे टाउ. Displacement, angular displacement है, that's why I have written theta here. And this is the formula for the work done. So अगर हम rotational motion की बात करेंगे, तो rotational motion के case में हमारे पास जो formula होगा for the work done, that will be W is equals to tau into theta. और अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बहुत सारे छोटे छोटे work done को add करके total work done निकालने की, so let the small work done be denoted by dw, tau I have written as it is and the theta will be d theta. So in this way अगर हमको total work done निकालना है, so we have to integrate both these equations. और जब हमने दोनों equations को integrate किया, so we will get w is equals to integration of tau d theta. Or you can say this is the expression for the work done when the body is possessing a rotational motion. जब एक बॉडी रोटेशनल मोशन पजिस करेगी, तो हमको वर्क डन निकालने के लिए जो उस पर टॉर्क अप्लाई हो रहा है, उस टॉर्क को हमको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो दैट वी विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट? सो जैसे हमने वर्क डन निकाला वैसे ही हम पावर निकालते हैं. सो अगर हम पावर की बात करें, सो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम. और अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल रहे हैं, सो वी कैन राइट डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी, वेयर डब्ल्यू इज डिनोटिंग द वर्क एंड टी इज डिनोटिंग द टाइम हियर, राइट? सो यहां पर ये तो हो गया सिंपल के लिए, लीनियर के लिए, राइट?
अगर मैं यहाँ पे W की जगह रोटेशनल निकालना है, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूँ फॉर DW, सो दैट आई विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट? सो आई नो दैट W इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा, सो आई कैन राइट इट एज D/dt ऑफ टाउ इंटू डी थीटा, राइट? ऑल्सो ये जो टाउ है, जो फोर्स है, वो कांस्टेंट होगा बिकॉज आप डिफरेंशिएशन थीटा के टर्म्स में कर रहे हो, तो ये जो टाउ है वो बाहर आ जाएगा एंड वी विल गेट D θ/dt, राइट? टाउ कांस्टेंट है तो टाउ बाहर आ गया एंड वी हैव गॉट T θ/dt, एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स यू नो दैट दिस D θ/dt दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन माई टाइम. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन माई टाइम किसके बराबर होता है? एंगुलर वेलोसिटी के, जिसको कि डिनोट करते हैं ओमेगा से. सो आई हैव गॉट ओमेगा हियर, राइट? सो D θ/dt इज इक्वल्स टू ओमेगा, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंड आई विल गेट पावर इज इक्वल्स टू टाउ ओमेगा. दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर डिस्प्ले, सॉरी, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द पावर व्हेन द बॉडी इज पजेसिंग अ रोटेशनल मोशन, राइट? अगेन इस पर बेस भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं सो दैट इट माइट बी क्लियर. नाउ वन न्यूमेरिकल इज बीइंग गिवन टू अस हियर, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. एन इंजन प्रोवाइड्स अ टॉर्क ऑफ 200 Nm. एक इंजन है जिसका हमको टॉर्क दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? इट इज 200 Nm. सो व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस, सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं. एक इंजन जिसका की टॉर्क है, दैट इज टाउ की वैल्यू आपके पास गिवन है 200 Nm. टू अ रोटर टू रोटेट इट विथ अ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, आपको एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, दैट इज ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, इट इज 300 per second, राइट? एक सेकेंड में कितनी बार रोटेट कर रहा है वो? 300 times. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पावर, राइट? हमको पावर की वैल्यू जो है वो निकालनी है. सो यहाँ से आई हैव टू फाइंड आउट पावर. सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर पावर इज इक्वल्स टू टाउ इनटू ओमेगा, राइट? अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू टाउ इनटू ओमेगा. यहाँ पर हम अगर हम सिंपली वैल्यूज को पुट कर दें, सो दैट वी विल गेट पावर इज इक्वल्स टू टाउ की वैल्यू है हमारे पास 200, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 200 हियर, इनटू ओमेगा की वैल्यू इट इज 300 per second. सारी चीजें हमको SI सिस्टम में दी हुई हैं, इसलिए कहीं कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने जस्ट इसको ऐसे ही पुट कर दिया. एंड नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टॉर्क, राइट? सो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 16 × 10⁴, राइट? 3 × 2 = 1, 2, 3, 4, राइट? दिस विल बी इक्वल्स टू 60,000, राइट? 60,000 W. सो आपके पास पावर की वैल्यू आ गई, दैट इज 60,000 W. और अगर आप इसको किलो वॉट में रिप्रेजेंट करें, सो इट विल बी 16 × 10⁴ W, और आप इसको लिख सकते हैं 60 kW. So this will be the amount of power that we have got from here, right? तो इस तरीके से हम simply उस formula से जो power है वो निकाल सकते हैं. Now the next topic that we are going to study is the angular momentum. जैसे हमने linear force पढ़ा है और उसके बाद हमने यहाँ पे सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन के लिए हमने फोर्स पढ़ा, दैट इज टॉर्क, वैसे ही हम लीनियर मोमेंटम पढ़ चुके हैं. हियर वी हैव टू डिस्कस द मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, दैट इज वी हैव टू डिस्कस द टॉर्क, सॉरी, दैट इज वी हैव टू डिस्कस द एंगुलर मोमेंटम, राइट? सो एक ऐसा मोमेंटम जो एक रोटेटिंग बॉडी से एसोसिएटेड हो, एक रोटेटिंग बॉडी का जो मोमेंटम होगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल L. जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, राइट? अगर एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला की बात करें, सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, एंगुलर मोमेंटम होता है, इट इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम
into the perpendicular distance. So linear momentum में अगर मैं perpendicular distance से multiply कर दूँ, so that I will get the angular momentum, right? Angular momentum is equals to linear momentum into the perpendicular distance. Or you can write angular momentum L से हमने represent किया. Linear momentum is denoted by P, we know that. और displacement या distance को हम perpendicular distance को हम यहाँ से D से denote कर देते हैं. So that we will get the formula for L. और generally हम इसको वेक्टर के फॉर्म में R से रिप्रेजेंट करते हैं. That's why I have written R here. So we have got the formula for angular momentum. That is angular momentum is equals L is equals to P dot R, right? अगर angular momentum के dimensional formula की बात करें, so since angular momentum का जो dimensional formula हो जाएगा, it will be equals to momentum, linear momentum होता है mass into velocity. Perpendicular distance is basically r. Mass के लिए हमने लिख दिया m. Velocity हो जाएगी lt inverse and displacement के लिए l. Or I will get m l square t inverse. This is the dimensional formula for the angular momentum that I have got from here, right? अगर इसकी SI unit की बात करें, so momentum होता है mass into velocity. Mass के लिए मैंने लिख दिया kg. Velocity होती है meter per second. Displacement is basic, r is basically the length. Length की unit होती है meter. Or you will get kg meter square per second. So this will be the SI unit for angular momentum. Also angular momentum भी जो है वो एक vector quantity है. So हम angular momentum का vector representation पढ़ते हैं. Angular momentum को अगर हम vector की terms में represent करें, so it is equal to r cross p vector. So r vector cross p vector is equals to the formula for the angular momentum. L, this will be the vector representation for the angular momentum. So I hope this must be clear. जैसे हमने एक numerical solve किया था for the torque, similarly यहाँ पे भी हम solve कर सकते हैं. Suppose हमारे पास values given है r vector और p vector की. Suppose r vector is equals to i cap minus j cap minus k cap and p vector is equals to 2i cap minus j cap plus 2k cap, right? So हमारे पास एक formula, एक equations given है in the form of r and p, that is the linear momentum and the r that is the perpendicular distance. हमको उन दोनों की equation पता है. हमसे पूछा है to find out the value of L, that is the angular momentum. So how we can find it out? We know that L is equals to r cross p. और हमको पता है कि cross product को हम निकालने के लिए determinant solve करेंगे. यहाँ पे मैंने लिख दिया i cap, j cap, k cap. सबसे पहले i के coefficients that I have written over here. Then p के coefficients that also I have written here. इसको सॉल्व कर लेंगे, सो दैट वी विल गेट एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आई वेक्टर एज इट इज, अंदर हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, दैट इज माइनस 2, माइनस जे कैप, जे कैप की जगह पे आ जाएगा 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, सो दैट आई हैव रिटन डायरेक्टली हियर, प्लस के कैप अल्टरनेट ऑर्डर्स में चलता है, तो के कैप आई हैव रिटन एज इट इज, 1 इंटू 1 इज 1, minus 2 into minus 1 is minus 2. So that all the things I have written here, I cap as it is, it will be 1 plus 2, minus J cap as it will be 2 plus 2, plus K cap as it is, 1 plus 2. Or you will get from here 3 I cap minus 4 J cap plus 3 K cap. And this will be the value of the angular momentum that we have got from here. अगर हम इसके आगे इसकी unit लगा दें, so you can write the unit here, right? So that will be the complete answer. So in this way, students, we can solve the numericals that are based on the angular momentum as well as the
टॉर्क. ऑल्सो वी हैव डिस्कस कि हम कैसे पावर और वर्क डन निकाल सकते हैं फॉर रोटेशनल मोशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. द फर्दर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.